सब्सक्राइब कीजिए न्यू टेक एडवाइस यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने आधार कार्ड पर बड़े फैसले दिए हैं। बहुत सारी ऐसी जगहों पर जहां पर आधार कार्ड जमा करना अनिवार्य था, जहां पर आधार कार्ड लिंक करना जरूरी था, उन सारी जगहों पर आधार कार्ड की अनिवार्यता को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया है। लेकिन अभी भी बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहां पर आपको आधार कार्ड सबमिट करना जरूरी है, जहां पर आपको आधार कार्ड लिंक करना कंपलसरी है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इसी विषय के बारे में बात करेंगे कि किन किन जगहों पर आपको आधार कार्ड जमा करना जरूरी है और किन किन जगहों पर आपको आधार कार्ड जमा करना कंपलसरी नहीं है, आधार कार्ड की आपको रिक्वायरमेंट नहीं है। तो दोस्तों, अगर आप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शरीफ और आप देख रहे हैं न्यू टेक एडवाइस। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को आधार अधिनियम पर एक बड़ा फैसला सुनाया। अदालत ने कुछ बदलाव के साथ आधार को संवैधानिक रूप से वैध घोषित कर दिया। दोस्तों, आधार मामले पर फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की संवैधानिक पीठ ने आधार को संवैधानिक रूप से वैध करार दिया है। लेकिन कोर्ट ने बैंक खाता, मोबाइल फोन और स्कूल दाखिले में आधार की अनिवार्यता करने सहित कुछ प्रावधानों को रद्द कर दिया है। चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा के नेतृत्व वाली 5 संसदीय संविधान पीठ ने अपने फैसले में आधार कार्ड को आयकर रिटर्न भरने और पैन कार्ड बनाने के लिए अनिवार्य बताया है। हालांकि अब आधार कार्ड को बैंक खाते से लिंक करना जरूरी नहीं है और मोबाइल सिम का कनेक्शन देने के लिए टेलीकॉम कंपनियां आपसे आधार नहीं मांग सकती हैं। अदालत ने अपने फैसले में आधार अधिनियम की धारा 57 को रद्द कर दिया है। इस धारा को रद्द करने के बाद अब कोई भी निजी कंपनी आपसे आधार कार्ड नहीं मांग सकती है। तो चलिए दोस्तों, अब जान लेते हैं कि किन किन जगहों पर आधार कार्ड की आवश्यकता नहीं है। सबसे पहले दोस्तों, आपको बता दें कि अब मोबाइल नंबर से आधार कार्ड को जोड़ने की अनिवार्यता को कोर्ट ने रद्द कर दिया है। अब आपको आधार कार्ड को मोबाइल नंबर से लिंक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर अभी तक आपने अपने बैंक अकाउंट में अपने आधार को लिंक नहीं किया है तो आप राहत की सांस ले सकते हैं। कोर्ट के आदेश के बाद अब आपको अपने बैंक अकाउंट में आधार कार्ड को लिंक करने की कोई जरूरत नहीं है। इसके साथ ही दोस्तों, अगर आप CBSE, NET या UGC द्वारा आयोजित किसी भी परीक्षा में भाग लेते हैं, वहां पर भी अब आपके लिए आधार कार्ड कंपलसरी नहीं है। अगर आपके पास बच्चे किसी स्कूल या कॉलेज में पढ़ते हैं दोस्तों, तो वहां पर भी एडमिशन लेते समय या किसी और वक्त आपका या फिर आपके बच्चे का आधार कार्ड आपके बच्चे के स्कूल या कॉलेज में आपको जमा करने की कोई जरूरत नहीं है। अब आपसे कोई भी निजी कंपनी आपका आधार का डाटा नहीं मांग सकती है। अगर वो कंपनी ऐसा करती है तो आप उनके खिलाफ रिपोर्ट कर सकते हैं, उनके खिलाफ अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, बहुत सारी जगहों पर अभी भी आधार कार्ड की अनिवार्यता बनी हुई है। इनमें दोस्तों, अगर आप नया पैन कार्ड बनवाना चाहते हैं तो वहां पर आपको आधार कार्ड लगने वाला है। आपके अगर आपका पैन कार्ड बना हुआ है तो आपको पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करना भी जरूरी है। पैन कार्ड को आधार कार्ड से कैसे लिंक करते हैं दोस्तों, इसके ऊपर मैंने एक वीडियो पहले से बनाया हुआ है। आप चाहे तो मेरे चैनल पर विजिट करके वो वीडियो देख सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप आयकर रिटर्न दाखिल करते हैं तो वहां पर भी आपको आधार कार्ड कंपलसरी है। इसके अलावा दोस्तों, गवर्नमेंट की जितनी भी कल्याणकारी योजनाएं हैं उन सभी का लाभ उठाने के लिए आपको आधार कार्ड की आवश्यकता पड़ने वाली है। साथ ही में दोस्तों, अगर आप किसी भी प्रकार के सब्सिडी का लाभ उठाते हैं तो वहां पर भी आपको आधार कार्ड जरूरी है। तो दोस्तों, ये थी पूरी जानकारी कि किन किन जगहों पर आपको आधार कार्ड की आवश्यकता है और किन किन जगहों पर आधार कार्ड की आवश्यकता नहीं है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों, आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है दोस्तों, तो आप इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए दोस्तों, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए ऐसी हेल्पफुल वीडियोज लेके आता रहता हूँ। मैं मिलता हूँ दोस्तों आपको एक और नए वीडियो के साथ। जब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। टेक केयर।